आकांक्षा और फलकनाथ बने कैप्टेंसी के दावेदार। आकांक्षा ने की मनीषा की मिमिक्री। वेल, बिग बॉस के लाइव फीड में हमने देखा कि बिग बॉस साइरस और अभिषेक से अपना कैप्टेंसी का दावेदार चूज करने को कहते हैं। वही सारे घर वाले अभिषेक और साइरस को कन्विंस करने की बेतोड़ कोशिश करते हैं, जिसके बाद बिग बॉस के सामने साइरस और अभिषेक अपना निर्णय भी बताते हैं। साइरस फलकनाश को चूज करते हैं और अभिषेक आकांक्षा पुरी को चूज कर लेते हैं। आकांक्षा और अभिषेक रील्स के जरिए अपना कंटेंट क्रिएट करने की तैयारियों में भी जुट जाते हैं। अभिषेक और आकांक्षा पुरी पुनीत सुपरस्टार और सलमान खान की एक्टिंग करने का प्लान भी बनाते हैं। वहीं पलक अभिषेक से काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं उनके डिसीजन की वजह से, क्योंकि अभिषेक ने कहा कि वो आकांक्षा पुरी और अविनाश में काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि वो किसे चूज करे। अभिषेक ने पलक को कंसीडर तक नहीं किया, ये बात पलक को काफी ज्यादा हर्ट कर जाती है। आकांक्षा सेकेंड क्लिप में पुनीत और आलिया की मिमिक्री करने का प्लान भी बनाती है। वही फलकनाश पब्लिक से कनेक्ट करने की बात साइरस से कहती है। फलकनाश बनावटी कॉन्टेंट न बनाने का साइरस को एक सुझाव भी देती हुई नजर आती हैं, जिसे साइरस मान भी लेते हैं। वहीं मनीषा अभिषेक और आकांक्षा की कंटेंट क्रिएशन में हेल्प भी करती हुई नजर आती हैं और उन्हें अपने डायलॉग्स बताती हैं। आकांक्षा पूजा और साइरस की मिमिक्री भी करती हुई नजर आती हैं, जो कि काफी ज्यादा फनी होती है। आकांक्षा और अभिषेक साइरस और फलकनाश अपने कॉन्टेंट को क्रिएट करने की तैयारियां करते हुए नजर आते हैं। वेल, ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता आखिरकार अभिषेक और साइरस में से किसके कंटेंट को पसंद करते हैं और आकांक्षा और फलकनाश में से कौन बनेगा घर का पहला कैप्टन। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। वेल, आप घर का पहला कैप्टन फलकनाश और आकांक्षा पुरी में से किसे बनते हुए देखना चाहेंगे, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।